तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि कैसे आप अपने ईमेल आईडी में एक रिकवरी ईमेल आईडी ऐड कर सकते हैं। अगर आप अपने ईमेल आईडी में एक रिकवरी ईमेल आईडी ऐड करके रखेंगे तो अगर आप अपने ईमेल आईडी को लॉगिन करेंगे और अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो आप अपने फ़ोन में फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके आप अपने रिकवरी ईमेल आईडी की मदद से लॉगिन कर सकते हैं और आप अपने पासवर्ड को देख भी सकते हैं और उसे चेंज भी कर सकते हैं। तो अगर आपके फ़ोन में रिकवरी ईमेल आईडी ऐड नहीं है तो आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते, ना ही आप अपने किसी फ़ोन दूसरे फ़ोन में लॉगिन कर सकते हैं। तो कैसे आपको रिकवरी ईमेल आईडी ऐड करना है वो आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मेरा नाम है पवन कुमार और आप देख रहे हैं पवन कुमार एनसीसी यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको अपने ईमेल आईडी में एक रिकवरी ईमेल आईडी ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने ईमेल आईडी के डैशबोर्ड में चले जाना है। तो मैं यहाँ पे अपने ईमेल आईडी के डैशबोर्ड में चला जाता हूँ। और अगर आपको अपने ईमेल आईडी के डैशबोर्ड में नहीं पता कि कैसे जाएंगे तो वो भी आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको चले जाना है प्ले स्टोर में, और मैं यहाँ पर प्ले स्टोर ओपन कर रहा हूँ। तो जैसे ही आपका अपना प्ले स्टोर ऐप ओपन हो जाएगा उसके बाद से यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो आपको दिखा देता हूँ कहाँ क्लिक करना है। आपको यहाँ पे क्लिक करना है, जो यहाँ पे ये आइकन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन दिखाई देने को मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जब ये ऑप्शन दिखाई देने को मिलेगा तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है ये तीर वाले ऑप्शन पे। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया हूँ और यहाँ पे मेरे को बहुत सारे ईमेल आईडी देखने को मिल जाएंगे। तो मैं चाहूँ तो इनमें से किसी भी ईमेल आईडी पे क्लिक कर दूँगा। तो जैसे आप किसी भी ईमेल आईडी पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको फिर ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो उसके बाद से आपको इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको अपने ईमेल आईडी के डैशबोर्ड पर चले जाएँगे। तो मैं यहाँ पर अपने ईमेल आईडी के डैशबोर्ड में चला जाता हूँ। अभी पिछले वीडियो में मैंने आपको एक ईमेल आईडी बनाकर दिखाया था कि कैसे आप अपना ईमेल आईडी बना सकते हैं बिना फ़ोन नंबर के। तो मैंने यहाँ पे उसी ईमेल आईडी को ओपन कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ इस पर क्लिक करके, और मैं यहाँ पे अपने ईमेल आईडी के डैशबोर्ड में चला आया हूँ। ईमेल आईडी के डैशबोर्ड में आने के बाद यहाँ पे आपको नीचे की तरफ जाना है। मैं यहाँ पे नीचे आ रहा हूँ, और नीचे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा यू हैव सिक्योरिटी रिकमेंडेशन। तो यहाँ पे प्रोटेक्ट योर अकाउंट इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप एक नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे और यहाँ पे सिक्योरिटी चेकअप लिखा है, देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे ही आप यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन आप फिल कर देंगे तो यहाँ पे ये ग्रीन हो जाएगा। अभी ये येलो है तो अभी ग्रीन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे ग्रीन करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे आपको नीचे आना है। देखिए यहाँ पे लिखा है साइन इन ऐड रिकवरी यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको एक रिकवरी ईमेल आईडी ऐड करना है। यहाँ पे आपको ऐड का भी ऑप्शन दिखा रहा है, अगर इस पर क्लिक करेंगे तो ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर आप एक रिकवरी फ़ोन नंबर ऐड कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रिकवरी ईमेल आईडी ऐड करने के लिए, तो हम रिकवरी ईमेल आईडी करेंगे। यहाँ पे फ़ोन नंबर मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आपको यहाँ पे फ़ोन नंबर ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं रिकवरी ईमेल पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे जो ऐड वाला ऑप्शन है। मैं यहाँ पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक नेक्स्ट पेज ओपन होता है हमारे सामने। और यहाँ पे नेक्स्ट पेज ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको कहेगा पासवर्ड डालने के लिए। तो आपको यहाँ पे जो पासवर्ड अभी आपने बनाया होगा वो यहाँ पे डाल देना है, या फिर यहाँ पे आपको फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक कर देना है। तो मेरे पास यहाँ पे पासवर्ड मुझे पता है, मैंने यहाँ पे अपना ईमेल आईडी बनाया है, मुझे इसका पासवर्ड पता है। तो मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। तो जैसे ही मैंने वहाँ पे ईमेल आईडी डाल के नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, मेरे सामने एक नया ऑप्शन यहाँ पे खुल गया, एक नया पेज खुल गया। और यहाँ पे मुझे कह रहा है कि आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालिए जिसकी मदद से आप अपने ईमेल आईडी को रिकवर करना चाहते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे कहूँगा कि आपको इस ईमेल आईडी को यहाँ पे नहीं डालना है, आपको यहाँ पे कोई अलग ईमेल आईडी डालिए, ताकि आपको यहाँ पे जो जब यहाँ पे लॉगिन करेंगे अगर किसी दूसरे ड्राइव में तो यहाँ पे आपको एक कुछ OTP भेजता है, तो वो यहाँ पे डालना होता है। अगर आपके फ़ोन में ईमेल आईडी लॉगिन ही नहीं होगा तो आपके पास OTP भी नहीं आएगा। तो आपको मैं कहूँगा कि यहाँ पे आप अपना दूसरा ईमेल आईडी डाल सकते हैं, और एक आदमी के पास दोस्तों बहुत सारे ईमेल आईडी हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके पास दूसरा ईमेल आईडी है तो आप यहाँ पे डाल दीजिए, या फिर आपके घर में किसी के पास है
दूसरा ईमेल आईडी, तो वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो मेरे पास एक ईमेल आईडी है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, और यहाँ पे डालने के बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, उसके बाद से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फिर दिखाता हूँ कि कैसा एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा और फिर वहाँ पर आपको क्या करना होगा। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, तो मैंने यहाँ पर अपना रिकवरी ईमेल आईडी डाल दिया है, और यहाँ पर कह रहा है देखिए यहाँ पर वेरीफाई योर रिकवरी ईमेल। तो आपको अपने ईमेल आईडी को, जो भी रिकवरी ईमेल आईडी डाल रहे हैं उसको आपको वेरीफाई करना होगा। तो मैं यहाँ पे अपने ईमेल आईडी को वेरीफाई कर देता हूँ। मेरे ईमेल आईडी पे कोड भेजा गया है 6 अंक का, आप यहाँ पे देख सकते हैं 6 डिजिट का यहाँ पे कोड भेजा गया है मेरे ईमेल आईडी पे। तो मैं यहाँ पे उसे डाल देता हूँ, उस डिजिट को यहाँ पे भर देता हूँ, उसके बाद से यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा, और उसके बाद से आपको दिखाता हूँ कि क्या ये ऐड होता है या फिर नहीं ऐड होता है। तो मैं यहाँ पे कोड डाल के उसके बाद से आपको दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे अपने जीमेल ऐप में आ चुका हूँ, और यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी लॉगिन भी है जिस पे मुझे ओटीपी आने वाला था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे ओटीपी आ चुका है, और मुझे इस कोड को वहाँ पे कॉपी करके डालना है। तो मैं यहाँ पे ओपन करके एक बार दिखा देता हूँ कि कैसे आपको कोड दिखेगा जब आएगा, तो वो किस तरह का वहाँ पे आपको मैसेज आएगा ईमेल आईडी में। तो मैं यहाँ पे थोड़ा इसे ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये ओपन हो चुका है। यहाँ पे ओपन होने के बाद यहाँ पे मुझे कोड दिख रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कोड दिख रहा है, और ये कोड जो आपको यहाँ पे मिलेगा वो यहाँ पे 24 घंटे के लिए होगा, उसके बाद से ये एक्सपायर हो जाएगा। मतलब कि एक दिन के लिए यहाँ पे आपको कोड ये मिलेगा, ये एक दिन के लिए वैलिड होगा, उसके बाद से ये एक्सपायर होगा। उसके बाद से अगर आप इस कोड को डालेंगे तो वो वहाँ पे लोड नहीं लेगा, वो वहाँ पे ऐड नहीं करेगा। तो यहाँ पे मुझे आ चुका है, मैं यहाँ पे इसे कॉपी करके वहाँ पे डाल देता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसे कॉपी कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पे अपने कोड को कॉपी कर लिया है, और इसके बाद से चलते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र में, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड पे, यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर दूँगा, और उसके बाद से मैं यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिख कर आ गया है सक्सेस। तो यहाँ पे हमारा ईमेल आईडी, यहाँ पे रिकवरी ईमेल आईडी ऐड हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं योर रिकवरी ईमेल, और जो यहाँ पे आपका ईमेल आईडी होगा वो यहाँ पे आपको दिखेगा। उसके बाद से हैज बीन वेरीफाइड, तो यहाँ पे वेरीफाइड हो गया, मतलब कि ये सक्सेस हो गया, यहाँ पे ऐड हो चुका है। उसके बाद से यहाँ पे आपको डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी चेकअप यहाँ पे ग्रीन होकर आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने आपको कहा ही था कि यहाँ पे जो PLO जो यहाँ पे दिखेगा वो यहाँ पे जो आप ऑप्शन भरेंगे, यहाँ पे रिकवरी ईमेल आईडी ऐड करेंगे तो वो यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक फ़ोन नंबर ऐड करने का भी ऑप्शन आता है, तो वो भी आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कैसे आपको ऐड करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो वो भी यहाँ पे बता दूंगा कैसे आपको ऐड करना है। यहाँ पे मेरा रिकवरी ईमेल आईडी ऐड हो चुका है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा ऐड हो चुका है, तो यहाँ पे मेरा ग्रीन हो गया है। और अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आपको अपना फ़ोन नंबर ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा ये वीडियो हो जाएगा अगर आपको फ़ोन नंबर ऐड करने का लिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा अगर मैं यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर ऐड करने के लिए बताने लगूँ। तो मैं यहाँ पे आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा पूरा स्टेप बाय स्टेप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।